आपको देखने को मिल जाएगा होते हैं. कोई नहीं होता जनरली देर बॉडी डज नॉट पोजेस एनी कांगट मीन दे नॉट बी अटैच टू एनी सरफेस एस लाइक इन केस ऑफ स्पॉन्जेस दे आर कंप्लीटली फ्री एंड देविम फ्रीली इन द वॉटर बॉडीज They are radially symmetrical, diploblastic animals having tissue level organization. So this we have already discussed while we are discussing about the classification. So this is the second group this is called Ctenaria. They radially symmetrical. That means if you cut their body through any radius, both the sides will be same. They are diploblastic. That means they are having two germ layers: an outer ectoderm and an inner endoderm.

for capturing of prey and defense it has stinging capsules called as nematocysts. so nidaria literally means stinging okay so nid the word nid means sting so usi se nidaria aaya hai to ye nidaria kya hota hai these are nidar uh, it has come from the word nidoblast nidoblast are specialized structures present in the tentacles और ये जो tentacles होते हैं सिलेंट्रेट्स में ये arm-like projections होते हैं

बिकॉज़ उनका एक सिलेंट टेरॉन होता है अभी जो सिलेंट टेरॉन वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड से बना है सीलोम मतलब तो फूड एब्जॉर्ब तो इनके बॉडी में भी जो कैविटी होता है वो इंटेस्टाइन की तरह ही फंक्शन करता है और वो फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो कैविटी की तरह है लाइक ए बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलोम तो इसीलिए दोनों वर्ड्स सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी एन टेर मीनस गट दोनों मिला के बनता है स्टोमक दर जनरली रेफर्स टू द ब्लड वेसल्स विच कैरी आउट सर्कुलेशन तो डाइजेशन सर्कुलेशन दोनों ये सेंट्रल कैनल कर सकता है तो इसलिए उसको हम लोग गैस्ट्रो वॉस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं उथ तो सिलेंटेर जो होता है वो बाहर की तरफ ओपन करता है थ्रू द माउथ विच इज सराउंडेड बाय टेंटिकल तो इनका जो माउथ होता है इसके चारों तरफर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं

उनका प्रॉपर्टी क्या होता है दे कैन कैरी आउट डाइजेशन विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर मीन आउटसाइड द सेल इन द स्टोमक और इन द सिलेर टू बी मोर स्पेसिफिक और दे कैन ऑल्सो कैरी आउट डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर मतलब जो गैस्ट्रोवर कैविटी होता है उसके लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वहां पे भी ये लोग डाइजेशन कर सकते हैं दिस सेल्स सेल्सल्फ कैन कैरी आउट डाइजेशन विद इन इट ओके सम स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सी एस यू थ्री एग्जाम्पल कोरल्स कोरल्स एक ही ऐसा एग्जाम्पल है इस ग्रुप का सिलेंट्रेट का जहाँ पे आप लोग देखोगे कि उनका एक थोड़ा हार्ड आउटर कवरिंग होता है मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सी इट इज नॉट एक्चुअली स्केलेटन दो वी कॉल इट इज स्केलेटन इट इज नॉट स्केलेटन इट इज नॉट मेडअप ऑफ बोन इट इज मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नाउ दे एग्जिबिट टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स दिस इज ए वेरी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिज सिलेंट्रेट्स तो इनका दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होता है एक होता है पॉलिप

एक गैमेटो हाफ्लॉयड होता है जो डिप्लॉयड होता, होता, होता है इनका भी वैसा ही कुछ मैकेजम है लेकिन इनका मॉरफोलॉजिकल डिफरेंस होता है तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हाफ ऑफ द टाइम वो लोग पॉलिप की तरह रहेंगे और फिर बाद में वो लोग मेड्यूसा में कन्वर्ट होंगे फिर मेड्यूसा से पोलिप में कन्वर्ट होंगे तो इनका वो अल्टरनेशन चलते रहता है तो दैट इज़ 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 कॉल्ड कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ़ और स्पेसिफिक फॉर दिस प्रोसेस मेड्यूसा कैरीज आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिफ एक्सुअली प्रोड्यूस मेड्यूसा एंड मेड्यूसा Sexually produce the polyp. So that is how inka alternating cycles चलता है. Example, Obelia, Aurelia, Hydra, Sea Anemone, and the Portuguese man of war, also known as Physalia. Now, this is Aurelia, which is commonly known as jellyfish. The second one, as you know, it is Hydra. And the third one is Portuguese man of war, which is called as Physalia. So these are the common examples of this specific phylum called as C. Lentrata.

नाउ वर्ड टेनस मीन्स कोम लाइक कोम मतलब कंगी जो हम लोग बाल बनाने के लिए यूज करते हैं कंगी कोम लाइक तो वैसे कोम लाइक सीलिया होता है इनके बॉडी में और वो भी एट रोज होते हैं तो उसीलिए एज बिकॉज कोम लाइक होता है वर्ड टेनस मीन्स कोम फेरे मीन्स टू हैव और बियरिंग तो ये कोम लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग एनिमल्स है इसीलिए इनको बोला गया टेनोफोरा दिस इज हाउ देयर बॉडी विल लुक लाइक तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज रियल पिक्चर ऑन द आउटर सरफेस या देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और पीछे की तरफ एक है एट सो देर आर एट रोज ऑफ देम ठीक है आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो देर आर एट रोज ऑफ दिस कोम लाइक स्ट्रक्चर तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया

Sometimes they can also interchange from male to female. That can also occur at very rare occasions. Uh, but the reproduction is generally sexual and fertilization is external with indirect development. So in case of reproduction, is sexual reproduction. Sexes are not separate, can be present in the same organism. And the same organism will produce both male and female gametes. And that will be released into the atmosphere. Okay? तो एटमॉस्फेयर में स्पेसिफिकली वाटर, बिकॉज दे इन वाटर, डीप वाटर्स। तो सी वाटर में ये मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, उससे बनेगा, organism, उनका एक इंटरमीडिएट लार्वा स्टेज होता है इसीलिए हम लोगों ने बोला इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नॉट डायरेक्ट डायरेक्टली इनके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है So, these are the defining features and see this is a very recently discovered phylum and uh, all the species of this phylum are not yet identified. specimen have species. Only 200 to 250 species exist. So, this is one of the smallest phylum of animal kingdom. It is not the smallest but one of the smallest. Okay? So, two example. are here.

So, in today's class, we discussed about two different phylums that is, phylum uh, cilentrata also called as Nidaria, and the second one is phylum Tenophora. In the next class, we'll move on to the next phylums that is, Platyhelminthes and Aschelminthes. Thank you. Thank you, everyone.